महसूस कर रहे हो तुसीं लाखड़ा, ओह खुशबू जिहड़ी है ओह सतगुरु है। ओह सतगुरु जब तुहानूं अंदर खुशबू पैदा करेगा, तुहाडे अंदर अपनी शक्ति दे के, तो फिर तुहानूं पता लगेगा कि रूहानीयत कितनी उच्ची और कितनी सुची और कितनी तरोताज़ा करने वाली चीज़ है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उसके पैरों च चूंदे ने जिहड़े कि बंदगी करते हैं, जी सतगुरु की शब्द की कमाई कर। अनहद नाद, अनहद नाद किनू किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मंदिर के घंटी बजती है, उतने घंटी लोग हाथ ना बजाते हैं, उतने हाथ ना नहीं बजती, उतने मैडिटेशन के नाल सतगुरु के ध्यान नाल अंदर साउंड आती, वो साउंड नू तुसी पकड़ लिया तो बस तुहाडा काम खत्म। साउंड नू पकड़ो, जो अंदर है उसनों पकड़ने वास्ते गुरु नानक साहब की कह रहे हैं, तीनों बंद लगा के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं हो। अखा बंद कर, कान बंद कर, मुंह बंद कर और ध्यान लगाओ पर सतगुरु दे मस्तक दा और अखा दा, उत्थे सुन समाध च बैठना। सुन समाध में बिल्कुल एक कॉन्सनट्रेशन दे नाल बैठना है, और बैठन का तेन टाइम कोई नहीं है, चाहे तू सवेरे बैठ जा उठ के, चाहे तू शाम नू बैठ जा, चाहे तू सोता भी है तद बैठ जा, तद भी तेन अंदर आवाज आएगी। वी वॉन्ट टू लिसन टू दैट साउंड, वो साउंड ही सानू मुक्ति देने वाली है, वो ही साउंड सानू परमार्थ दे विच उच्चा उच्चा बी ए एम ए सब कराने वाली। लेकिन एक गल मैं होर भी दस सकती हाँ, जिनी देर गुरु के प्रति भक्ति भाव ना जागे उन्नी देर मैं ट्राई मारनी अभ्यास की मुश्किल। भक्ति भाव पैदा करो अपने अंदर, भक्ति भाव, भक्ति में प्यार भाव, हुक्म का मनन का भाव, सेवा का भाव, उन्होंने रजा के चलन का भाव, ये पांच चार चीज़ा ने जिड़िया कि उन्होंने जीवा दे रखी होंगे सामने। और जेड़ा जीव उन्होंने वचन नूं मनदा है वो खुश हो जाते। भाव जिस तरह तुसी गए महाराज नूं चरण धोते या कुछ किया, उन्होंने सेवा की, उन्होंने चरणां जिहड़े कि रखे ने असीं अंदर मत्था टेकिया, जिहड़ी खुद ही अंतरयामी ने उन्होंने दिखाउण की कित्थों जरूरत पैगी कि असीं जी महाराज जी सानूं बड़ी श्रद्धा तुहाडे ते, और वो बेफरवाह होंगे, मनो या ना मनो, ना वो बुलाते भी किसी आओ भाई। कुदरत अपने आप उन्होंने साढ़े को लिया, कुदरत अपने आप लिया साढ़े को। इस तरीके का ज्ञान, बिकॉज यू डिडंट लिसन माई सत्संग लास्ट टाइम एंड नाउ यू हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड, तो आई वॉन्ट टू गिव यू सम टिप्स कि सत्संग क्या है, नाम क्या है, ध्यान क्या है और मेडिटेशन क्या है। ये तीन चीज़ें हैं जो जीव ने अपने अंदर डाल दिए। और ज़्यादा कदा टेलीफोन में भी पूछ लिया करो मेरे से, तो दिस इज़ गुड फॉर यू। बाकी सब वास्ते भी गुण ने सत्संग के साथ साथ ही। हाँ, बेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन पाया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिस वेले मैनू सतगुरु मिल गया मैनू सब अच्छा ही अच्छा लगन लग पाया। कदों लगन लग पाया? जब मैनू सतगुरु के दर्शन हो गए, सतगुरु देख के मैं खुश हो गया कि हुण मेरा काम बन जाएगा। यानी मैनू जिहड़ी कि अंदर शक सी ना कि ये तीर्थां दे नाना मंदर है मत्थे टेकने, ये सारा कुछ की बनेगा इहदे नाल, कहते तीर्थ ना है जो मुक्ति होवे, मेंढक नित नित ना आवे, जैसे मेंढक तैसे ये नर फिर फिर जो नहीं आए, मेंढक ही बनेगा बंदा। चिरंकाल ये देह संजरिया, गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया, अवर तेरे कोई भी काम तेरे काम का नहीं है जो तेरे नाल चलेगा। इस करके तू संतां दी खोज कर जेड़े कि कंप्लीट हो, जेड़े सतगुरु हो, जेड़े कि तुहानू अंदर दा ज्ञान दे सकन और तुहानू मुक्त कर सकते।
सच्चे सेविया सच वडियाई गुरु कृपा ते सच पावनिया। सच नू सेवोगे, सच मीन्स एक सच्चाई नू सेवोगे, एक नाम दी कमाई दी कोशिश करोगे नाम कमाना। नाम केड़ा है, सतगुरु है नहीं नाम देंदे, राम राम कहो, सीता सीता कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, ये तो बंदिया दे नाम ने, वो अंदर दे नाम देंदे ने, अंदर दे नाम जड़े ने, वो पांच नाम ने, उसका असी सिमरन करना है, और सिमरन करते करते इतनी अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ध्यान ही नाल नाल बने सतगुरु दे मस्तक दा। और वो सच है जो असली है, जिस सच न सेविया मैं, जिस सच के मैं सतगुरु के दर्शन किए, वो सच मैं पाना है और मैं खुश हाँ। मैं देखो थानू कोई मनपसंद चीज मिल जाए जिदी की थानू तलाश हो गए तो कि मन खुश होता है, बोझ उतर जाता है सिर तो, टेंशन उतर जाता है, डिप्रैशन उतर जाता है। तो जिसनों सतगुरु मिल जाए वो भी वो अपने ही खानदान के बीच, तो इस तो वही खुशी की गल है। संसार दे विच चार खानियां, चार खानियां कहनी है अंडर जेरे से उत्पन्न, अंडर जेरे की पक्षी ने ये अंडे दे के अपनी उत्पत्ति कर दे, जेरे जेरे जानवर ने ये जेर जेर दे विच इन्हां दे बच्चे निकल दे। इस तरह ही स्वेत पसीने चो जुआ सिर पै जाती है, इस तरह दी यूनियां बनाई है। चौथी यूनी है केड़ी, इंसान उत्पज सब्जियां, सब्जियां पत्ते फल ए सारी उत्पज है, और जेड़ा इंसान है ए सब नालों वड्डा है, उपर ये सारिया चार खानियां ने जिसके उत्ते सारी सृष्टि की रचना होती है, सारी सृष्टि की रचना। जीव कीड़े पतंगे जो ने तुसी देखो जेड़े लोग तपस्या करते हैं जंगलों में बैठ के और पत्थर की शिला के उत्ते बैठ के करते हैं। एक ने क्या कोई पीर आ गया और क्या कि देखो जी मैं इन्ने बरसा की पूजा पाठ करता पिया तो मेरी आदत उस तरह की उस तरह। उन्हें क्या गल सुन, वो पीर सी घोड़े उत्ते चढ़िया, उन्हें क्या शिला के थले चुके देख कि ने कीड़े मकौड़े तू मारते, तू भजन बंदगी नहीं कर रहा, तू पाप कर रहे जी। छोटे तो छोटे जीव भी, ईवन कृष्ण ने उदाहरण दिता सी रुमनी नू कि दसो एक इंच खाते, उन्हें दिखाया। तो संसार नू समझन दे वास्ते ब्रेन भी चाहिए, बुद्धि चाहिए, और अंदर का ज्ञान की शक्ति भी थोड़ी खुलनी चाहिए, पता लगे। हर एक बच्चा अपनी किस्मत लैके आ, लेकिन जब वो बड़ा होता कहता मैं ही हाँ, सब कुछ मैं ही देहा, मैं कीता है, मैं वो कीता, मैं इंज कीता, मैं वो की चीज़ है अहंकार। जिस दिन अहंकार नूं तुसी अपने कंट्रोल कर लोगे तुसी जीत जाओ। जिस वेले अहंकार अपने कंट्रोल में आ जाता है, मैं तो कुछ नहीं, ना मैं किया ना मैं कर सकता, ना कुछ करने योग शरीर, जो कुछ किया हरी किया, तब मैं भिया कबीर, फिर मैं कबीर बने। जब मैं अपना मैं छड़ दिती, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये मकान भी महाराज ने दिता, फलानी चीज़ भी महाराज ने दिती, ये दिता वो दिता, किसने किया, सब ऊपर वाला करता है। साड़ी मैं जी ना बिचो थोड़ी जी इंटरफेयर करती, ईगो आ जाती सब। इस संसार के बिच संसार नू समझना आसान है, लेकिन अपने आप नू समझना बड़ा मुश्किल है। अपने अंदर जो कुछ है साडा समुंदर वरोल शरीर, हम देखिया एक अनूप वस्तु पाई, क्या गुरु गोबिंद है, और दूसरा क्या ना मैं थोड़े भूल गई हाँ, नानक भेद न कुछ नू भेद नहीं मिलता, समुद्र विरोल शरीर हम देखे अनेक वस्तु हम पाए, बहुत कुछ देखिया। ये समुद्र जेड़ा सारा शरीर है, ये मन है, जिसनों खोल के तुसी देखो तो असी सोचने, असी तो कोई बुरा सोचे ही नहीं कभी किसी का,
लेकिन किसी वेले तुहानू आपे ही इंट्यूशन होगी ओ असी कई कुछ तो गल कर लें कई किंज कर लें कभी किंज कर लें अपना मन अपने आप बोलना शुरू हो जाए। ये मन जो पिंडी मन है ना ये सारी रचना पिंडी मन करता है पिंडी मन करता है। जिस वेले मन जो है कंट्रोल कर लिए जो बच्चे कंट्रोल कर लीए तो बच्चा मिसगाइड नहीं होता स्पॉयल नहीं होता। इस तरह मन को कंट्रोल करने की भी शक्ति अंदर होती है कि अपने सैल्फ को कंट्रोल कर अपने सैल्फ को कंट्रोल कर। पाओ भोजन सतगुरु तुठे पाए अनरस चूके हरी रस मन बसाए। कहते हैं सतगुरु प्रसन्न किस तरह होता है थोड़ी भगती देख के थोड़ा भाव देख के थोड़ी सेवा देख के थोड़े भी किस तरह तुम वचन मिलते हो उन्होंने रजा के उत्ते चलते हो कि नहीं चलते। ये सारे यही टेस्ट पेपर ने साडे ये टेस्ट पेपर के असी गुजरना। सतगुरु कहेगा कुछ नहीं कहेगा लेकिन वो अंदरों इंट्रोस्पेक्शन करता है कि ये जीव तो कुछ करता कहता है अंदरों कुछ करता पे फिर वो उसको संभालता है किसी ना किसी तरीके वचन नालों समझाता है। सत्संग अगर भाव दे विच तुसी किसी नु प्रेम दे विच मिलन जाओगे तो कितना खुश होएगा भला दसो कितना खुश होएगा। और अगर तुसी भाव वंडन वास्ते जाओगे भी लै मैं एक विजिट दे ही दिया वो भी उन्होंने पता लग जाता है। इस तरह संसार दे विच हर एक आदमी चेतन बुद्धि रखता है मन भी वो अंदर है लेकिन मन किस वेले गदियां गल्लां सोचता है तो किस वेले हंकार च आ जाता है। जब वो हंकार च आ जाता है उसने जे तो भजन बंदगी करने वाला पुरुष है सतोगुणी पुरुष है तो वह नैचुरली खुद ही फील करता है कि मैनू तो इस चीज़ के पैन की कोई जरूरत नहीं मैं क्यों अभाव दे विच आ रहा। ये भी साढ़े अंदर एक किस्म की जिस तरह कहते ना आदमी नू अपना मन ठीक रखना चाहिए ये उस तरह ही उस आदमी के विच भी ये अभाव आता है इतने मैं गलत कर दी अपने आप गलती करता है। जिस तरह टीचर स्कूल का तख्ती के उत्ते लिखाई लिखो तो गलती है मास्टर कटेगा लेकिन जो होर भी उस तो अच्छा मास्टर कहेगा तो गलतियाँ तो कट दर दे। इस तरह जीव नू अपनी अपने आप नू क्रिटिसाइज करना चाहिए कि मैं कितने गलत हाँ तो कितने मैं ठीक हाँ। सच संतोख सहज सुख बानी पूरे गुरु ते पावनिया। सच्चाई संतोष सबर सैटिस्फैक्शन विराग और कई चीज़ा ऐसा ने जड़िया कि वो पूरा गुरु ही तुम्हें उसकी महसूस करवा सकता है भी कितने तू गलत किया कितने तू ठीक दे। कई बार कई सत्संगी ऐसे आते हैं जिन्होंने तौर तरीका इन्ना नहीं आता किस तरह भाव प्रकट करना है किवें सतगुरु के कोल जाके बैठना है किवें की गल करनी है बात करनी है वो जड़े ने फिर देखा देखी सारे उस तरह ही अपनी रहनी बहनी बना लेंगे। स्कूल एक बच्चा जाएगा पढ़न तो पहली बारी तो उसको ये नहीं पता लगेगा कितने बैठना है तो कितने उठना है। इस तरीके वो भी जी हौले हौले पूरे गुरु तो सब शिक्षा ले लें। सतगुरु न सेव ही मूरख अंध गवारा फिर ओ पान मोख द्वारा। कहते जिन्हें दिन तू सतगुरु के दरबार च नहीं आएगा सतगुरु के दूजे स्टूडेंट्स नहीं देखेगा तेन किस तरह पता लगेगा कि किस तरह रहनी बहनी है किस तरह रहना है और किस तरह तू सत्संग सुनना है और किस तरह सत्संग तू अपने अंदर पाना है। वह मोक्ष द्वार देने वाले सतगुरु जड़े ने ही तेन अकल देंगे। अकल किस तरह देंगे जो शर्मा सिंह शर्मा एक बार आके इतने बैठ गया महाराज के बराबर कुर्सी पर बैठ गया
ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਠਾਰ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ। ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਜਮਹੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਹੀ ਜਮਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵਨੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਮੁਖ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ,